हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। तो गाइज, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डिफेंस वाले पे। तो गाइज, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल भी देखा होगा कि आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को करवाने वाला हूँ ट्रिक। किसकी ट्रिक करवाने वाले हैं? हाउ टू फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज इन एन फैक्टोरियल। आपके पास कोई भी नंबर दिया हुआ है, अगर वो कहता है कि 25 फैक्टोरियल के अंदर नंबर ऑफ जीरोज कितनी रहेगी, 100 फैक्टोरियल के अंदर नंबर ऑफ जीरोज कितनी रहेगी, 95 फैक्टोरियल के अंदर नंबर ऑफ जीरोज कितनी रहेगी, तो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? ठीक है, एक ट्रिक, इसकी एक बहुत ही आसान सी ट्रिक है गाइस, तो आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको एग्जाम्पल के थ्रू मैं बताता हूँ कि अगर मैं कहता हूँ कि फाइंड आउट द क्या नंबर ऑफ जीरोस किसके अंदर, 100 फैक्टोरियल के अंदर आपको क्या निकालनी है, नंबर ऑफ जीरोस निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे? बहुत ही आसान है। सबसे पहले 100 कोई भी नंबर हो उसको आप क्या कर लो, 5 से डिवाइड करो। 100 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा, 20। देन जो रिजल्ट आया 20, उसको अगेन आप 5 से डिवाइड करो तो कितना आएगा मेरे पास, 4। देन अगेन जो रिजल्ट आया वो क्या 5 से डिवाइड होता है, क्या वो 4 5 से डिवाइड होता है, नहीं होता। तो आप यहीं तक डिवाइड करेंगे तो आप क्या करो, ऐड कर लो 20 और 4, कितना आएगा 24। तो इसका मतलब ये होगा कि 100 फैक्टोरियल के अंदर जो नंबर ऑफ जीरोज आपकी रहने वाली है वो कितनी रहने वाली है, 24 रहने वाली है। अब सर एक क्वेश्चन और लेते हैं, देखिएगा ये तो पूरा पूरा डिवाइड हो गया, लेकिन अगर मैं बात करूं 95 फैक्टोरियल की, ठीक है, 95 फैक्टोरियल के अंदर नंबर ऑफ जीरोज कितनी रहने वाली है। तो सबसे पहले एक चीज मैं बता देता हूँ कि कई बच्चों को ऐसे पता नहीं चलेगा कि सर नंबर ऑफ जीरोज का मतलब यहाँ क्या है। देखिए, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। जैसे मेरे पास आता है 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल का मतलब 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, इनकी मल्टीप्लाई करके देखो। देखो 2 × 3 6 × 4 24 × 5 120 और इंटू में 6 करेंगे कितना आएगा, 720, मतलब 720 आया। तो इसके अंदर लास्ट में कितनी जीरो आई, 1 जीरो आई, मतलब 6 फैक्टोरियल के अंदर लास्ट में कितनी जीरो आई, 1 जीरो आई। तो वैसे ही ये कहता है कि 100 फैक्टोरियल के अंदर लास्ट में कितनी जीरो आएगी, 24 जीरो आएगी, इसलिए उसको बोलते हैं नंबर ऑफ जीरोस। ठीक है, 95 के अंदर कितनी जीरो आएगी, 95 को सर पहले 5 से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा सर, 19 आएगा। फिर 19 को 5 से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा, देखो कितना पे जाएगा ये, कितने पे जाएगा ये, 3 पे जाएगा, है ना, 5 × 3 = 15, 3 पे गया। ठीक है, लेकिन इससे आगे डिवाइड हुआ, बिल्कुल भी डिवाइड नहीं हुआ कि सर 3 पे जाएगा और 3 point something। आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन लिखना है, रिमाइंडर आपको नहीं लिखना है। ठीक है, देख लो दोबारा से, जब 95 को 5 से डिवाइड करेंगे 19 आएगा, और जब 19 को 5 से डिवाइड करेंगे जो क्वेश्चन आया उसको अगेन 5 से डिवाइड करेंगे तो सिर्फ 3 आएगा, 3 क्वेश्चन आएगा, प्लस में रिमाइंडर कुछ बचेगा वो आपको नहीं लिखना है, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन लिखना है। अगेन क्या 3 जो है वो 5 से डिवाइड होता है, नहीं होता, यहां तक छोड़ देंगे। क्या आया 19 और ये 3, कितना आया 22। इसका मतलब ये होगा कि 95 फैक्टोरियल में लास्ट में कितनी जीरोज आएंगी, 22 जीरोज आएंगी। क्लियर? क्या एक एग्जांपल और लेना है, एक एग्जांपल और देख लो बच्चे, किसी भी क्वेश्चन का आपको निकालना हो, किसी भी क्वेश्चन का जो भी आपके दिमाग में आए, जो भी आपके दिमाग में है, सर ये बताओ कि 126 फैक्टोरियल के अंदर नंबर ऑफ जीरोज कितनी होंगी। तो 126 फैक्टोरियल तो सबसे पहले 5 से डिवाइड करना है। ठीक है मेरे बच्चे, जब 5 से डिवाइड करेंगे तो सिर्फ क्वेश्चन लिखना है, रिमाइंडर नहीं लिखना। पहले जाएगा 2 पे, ठीक, फिर जाएगा 5 पे, है ना, 125 आएगा। ठीक है, तो एक रिमाइंडर बचेगा, तो आपको रिमाइंडर नहीं लिखना है। ठीक है, 25 अगेन आप इसको डिवाइड करो 5 से तो कितना आएगा, 5। अगेन 5 को 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 1 आगे डिवाइड नहीं होता, इनको ऐड कर दो कितना आएगा, 31। तो इसका मतलब 126 फैक्टोरियल में आपके पास जो नंबर ऑफ जीरोज रहेंगी वो कितनी रहेंगी, 31 जीरोज रहेंगी। ठीक है, तो ये इसकी ट्रिक है, कैसे आप नंबर ऑफ जीरोज निकाल सकते हैं कितने भी फैक्टोरियल आपको दिया हुआ हो, एन फैक्टोरियल, एन मतलब कोई भी नेचुरल नंबर आपको दिया हुआ हो तो जस्ट 5 से डिवाइड करके आप लोग निकाल सकते हैं। तो आप लोगों को एक ट्रिक कैसी लगी प्लीज कॉमेंट करके आप लोग मुझे जरूर बताएं, इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करके है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे। तो इसी टाइप से मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा नेक्स्ट ट्रिक। ओके गाइस, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।